हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। इंग्लिश आप कहाँ से कवर करेंगे? ग्रुप सी और डी के लिए जूनियर असिस्टेंट पहले कभी नहीं पढ़े हैं और सोच रहे हैं कि कम समय में इसको कवर कर लें। तो देखिए दोस्तों, समय तो बहुत ही कम है क्योंकि पहले से यदि आप प्रिपरेशन किए होंगे तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो UP SSC या फिर सिविल के भी एग्ज़ाम देते रहते हैं तो इंग्लिश पे उनका फोकस नहीं रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें इंग्लिश के लिए, वो आप 60 रूल्स ऑफ रानी मैम यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आप इसके 10 घंटे के आसपास में क्लास है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। वोकैब के लिए आप SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बार बार रिपीटेड हुए हैं उनको आप अपने नोट्स में तैयार करके इसको कवर कर सकते हैं, जिससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। NTA द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ जो है नहीं रहता है, ठीक ठाक लेवल रहता है। मैंने इस एग्ज़ाम को दिया है, निकाला भी है और कुछ मार्क्स की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे मैंने कवर किया है, वैसे मैं SSC का स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा मेरे लिए आसान था इंग्लिश को, और इंग्लिश मैथ जो स्टूडेंट इसमें ठीक ठाक कर लेते हैं तो इंग्लिश और हिंदी और GS तो ऑलरेडी हर एक स्टूडेंट का तैयारी रहता है तो ठीक ठाक उनका जो है स्कोर हो जाता है। सबसे जो मेन दिक्कत आती है वो इंग्लिश और मैथ में आती है और ज़्यादातर इंग्लिश में आती है। तो आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिए और प्रीवियस ईयर जो भी हैं 2-3 साल के उसमें जितने भी पूछे गए हैं वहाँ से आप नोट्स तैयार करिए और इस चीज़ को कवर कर लीजिए। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम इसके बारे में आपको सही चीज़ें गाइड जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।